नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। कोरोना काल में अपना रोजगार खो चुके प्रवासी बेरोजगारों के लिए ब्रावो सिक्योरिटी ने दिया बड़ा अवसर। विकट परिस्थिति में ब्रावो फार्मा के CMDA राकेश पांडे ने रोजगार का अवसर देकर युवाओं को किया प्रोत्साहित। चंपारण की धरती पर दूसरी बार बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग, नियोजनालय और ब्रावो फाउंडेशन के तत्वाधान में रोजगार के अवसर प्रदान करता ब्रावो फाउंडेशन। राकेश पांडे की इस अनोखी पहल से युवाओं में जोश। कोरोना संक्रमण काल में देश के विभिन्न राज्यों से चंपारण लौटे प्रवासी बेरोजगारों के लिए ब्रावो फाउंडेशन ने ब्रावो सिक्योरिटी में श्रम संसाधन विभाग, नियोजनालय के संयुक्त तत्वाधान में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर ऊर्जा का संचार किया है। निश्चित तौर पर बेरोजगारों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास किया गया है। चयन प्रक्रिया में आए सैकड़ों बेरोजगारों ने भाग लिया और अपने भविष्य को संवारने की चिंता करने के लिए ब्रावो फाउंडेशन के CMDA राकेश पांडे को धन्यवाद भी करते दिखाई दिए। बता दें कि ब्रावो फाउंडेशन ने विगत जून 2020 में लगातार रोजगार मेले का आयोजन कर ब्रावो प्रोटेक्टिव गियर में 15 महिलाओं की नियुक्ति कर रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया था और प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ को अक्षरशः चरितार्थ किया था। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अभ्यर्थियों का आवेदन लेकर शारीरिक मापदंड के पैमाने पर खरा उतरने वाले कम से कम 50 चयनित प्रवासी बेरोजगारों को ब्रावो सिक्योरिटी में नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जिला श्रम अधीक्षक ने कहा कि नियुक्ति किए जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को PF और ESI की सुविधा भी मिलेगी। वही सब है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आता है। अपने यहाँ पे देखने आया इसके बारे में। आज मोतिहारी के हवाई अड्डा मैदान में जिला नियोजनालय के द्वारा, ब्रावो फाउंडेशन सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें सिक्योरिटी के पद पर लगभग 50 वैकेंसीज हैं इनके पास। इनकी पोस्टिंग के स्थल मोतिहारी और पटना है। युवाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं, शाम में यह प्रक्रिया पूरी होगी। पता चलेगा कितने आवेदन हुए, फिर उनको स्क्रूटनाइज करके एक प्रोसेस जो सैलरी क्या होगा सर। उसके बाद सैलरी कम से कम आज के डेट में अनस्किल्ड का 292 रुपये है और सेमी स्किल्ड का जो रेट है सरकार का, उससे ऊपर ही वो वेतन देंगे। और साथ ही सभी को PF और ESI से भी कवर कराया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा सभी जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वर्कर्स की बनी रहे। थैंक यू। ब्रावो फाउंडेशन में जो ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो प्रक्रिया हो रही है, इसके लिए हम राकेश पांडे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है कि आज जो रोजगार मिलेगा उससे आप लोग के जीवन में उजाला आ पाएगा? जी, हमें तो लगता है कि आज जो रोजगार मिलेगा इससे लगभग कुछ नहीं, बहुत कुछ लोगों को जीवन में उजाला आ पाएगा।